हेलो जी, वेलकम टू दी माय न्यू ब्लॉग जी। आज हम करेंगे इस ब्लॉग में कुकिंग और आपको कराएंगे थोड़ा सा घर का विजिट। कुकिंग मैं नहीं कर रहा, करेंगे मेरी अम्मी। हम बनाएंगे जी सिर्फ ब्लॉग। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग। तो जी जनाब, ये देखिए जी, हमारी गोभी कट चुकी है। अभी आलू कटने हैं। और ये क्या है जी, धनिया पड़ा हुआ है, इधर लहसुन है। और जी आइए जी, हम चलते हैं तोतों के पास। तब तक तोतों के साथ खेलें थोड़ा सा। और उनको डालते हैं जी थोड़ी सी गोभी। हेलो हेलो, ये देखिए जी मेरे तोते। ओए ओए, चीखे मारते हो, चीखे मारते हो हैं? ये देखिए जी मेरी हैवी बाइक, जो कि मेरी बहुत पुरानी साथी है। और जी ये है मेरा गैराज। और जी आपको ड्राइंग में दिखाते हैं आप। ये देखिए जी हमारा ड्राइंग रूम। ये है जी हमारा छोटा सा सहन। जी लहसुन प्याज डाल चुका है, तड़का लगना शुरू हो गया है, तेल भी डाल चुका है। और जी देखिए, चेक कीजिए, सही पक रही है। चलिए जी, इसको थोड़ा सा तड़का लगने देते हैं। ये देखिए जी, अदरक भी कट गई, हरी मिर्चें भी कट गई, धनिया भी, गोभी भी, आलू रह गए बस। चलिए आई जी, देखते हैं तड़का लगा है कि नहीं। वाह जी वाह, मसाला बीच में हमने डाल दिया, बन गया है मसाला। वाह जी वाह। अब जी ये देखिए जी, हरी मिर्च डाल गए हम। और उसके बाद धनिया, फिर अदरक, ये देखिए जी इसको, इसमें गोभी डालेंगे, थोड़ी देर उसको रखेंगे, उसको गलने देंगे। फिर इसके बाद डालेंगे जी आलू, फिर उसको गलने देंगे, फिर हमारी जी गोभी तैयार। इसको करेंगे जी मिक्स। चलें, ये हो गई जी मिक्स। ये देखिए जी जनाब, हमारी रोटी पकना शुरू हो गई है। अब इसको हम खाएंगे मज़े मज़े के साथ। जी जनाब, ये देखिए जी हमारी रोटी पक गई है, आलू गोभी भी पक गया है। ये देखिए जी, साथ पुदीने की चटनी और साथ सादा दही। तो जी अब हम इसको खाएंगे।
मजेदार मजेदार। तो जी अपना व्लॉग मैं ये भी खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।